वॉर्ड्स बद्दल विचारू नका, मला काही माहिती नाही. हिंदी मध्ये रेडी. मैम क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज की नाइट, कितना धमाल होने वाला, क्या कहने वाली मिर्ची अवार्ड के बारे में? मिर्ची अवार्ड्स तो हमेशा बहुत मज़ेदार अवार्ड्स रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज होती हैं यहाँ पे. आज भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे पता नहीं लाइनअप क्या है, लेकिन कुछ अच्छा फायरवर्क्स अंदर देखने को मिलेगा ऐसी उम्मीद है. आज सुमित सर भी होस्ट करने वाले हैं, तो कितना एक्सपेक्टेशन है, मस्ती मजा है कि सुमित अगर होस्ट कर रहे हैं तब तो पूछने की बात नहीं है. इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल राइड आई एम श्योर. आपका कोई मराठी फेवरेट सॉन्ग हो जो आप बताना चाहें, कौन सा सॉन्ग? तो नहीं, सिंगर्स हैं मेरे मराठी फेवरेट सिंगर्स. एक तो मेरा जीजा तो नहीं, वो मतलब बहनों ही कहूँगी उसको, क्योंकि छोटी बहन का पति है स्वप्निल बांदोडकर. एक तो वो है, बेला इज़ माई फेवरेट सिंगर, सो वैशाली इज़ माई फेवरेट सिंगर, अवधूत इज़ माई फेवरेट सिंगर. तो इनमें से किसी को भी अवार्ड मिलेगा मैं तो खुश हूँगी. मैंने अपकमिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि बाजीराव मस्तानी में आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और उनका बहुत ही सराहा जा रहा है, उसके अलावा कुछ और? उसके अलावा एक नई फिल्म हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो अकस्मात मृत्यु हो गई थी ताशकंद में, उसका वो कुछ रहस्यमय मृत्यु है उनकी, तो उसके बारे में हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं. वुमेंस डे भी आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा मैसेज, क्योंकि आपके लिए कहा जाता है वुमेंस डे के बारे में. मैं मुझे हमेशा पूछा जाता है, मैं कोई अथॉरिटी तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वुमेंस डे को वुमेंस डे की तरह हम लोग मनाना बंद करें, इसको एक हम लोग ह्यूमन डे की तरह से मनाया इसको जाना चाहिए, क्योंकि 50% पॉपुलेशन तो औरतों की है, तो अगर कुछ भी औरतों के साथ होता है अगर प्रॉब्लम, तो वो वुमेंस प्रॉब्लम करके उसको एलिनेट नहीं कर सकते हम लोग, ये एक ह्यूमन लेवल पे प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट इट एज अ ह्यूमन बीइंग डे मोर देन अ वुमेंस डे. थैंक यू.